अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरा सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। परम आदरणीय सभापति महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति एवं उपस्थित मेरे प्यारे साथियों, मैं आरक्षी खुशबू चौहान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आज सदन की राय से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं, परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी, लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है, क्योंकि महोदय फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। महोदय, आज सत्य निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों, इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी, और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। और महोदय, अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है। अरे, हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ, परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों से शोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं।
नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद जय भारत। सूरज पर है कालिख पोत, किया चांद का मुख काला, मानवता की हत्या का इतिहास घिनौना रच डाला। अब बंद करो ये हत्याएं, वरना शिव स्वयं डरेगा, तुम ही भक्षक बन बैठे तो रक्षा कौन करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य निर्णायक गण एवं उपस्थित साथियों, मैं CISF से उप निरीक्षक आशुतोष कुमार आज के इस वाद विवाद के विषय मानव अधिकार का अनुपालन करते हुए देश में आतंकवाद एवं उग्रवाद से प्रभावी तरीकों से निपटा जा सकता है के पक्ष में अपना मत एवं विचार प्रस्तुत करूंगा। सभापति महोदय, इस विषय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री KG बालकृष्णन के उन वाक्यों को उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि मानवता को बनाए रखने के विषय में हमारे सुरक्षा बलों के विचार एवं भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट है, एवं केवल तुच्छ मानसिकता वाला व्यक्ति यह सोच सकता है कि सुरक्षा बलों के द्वारा मानव अधिकारों के सम्मान करने से हमारे राष्ट्रीय महत्व को खतरा उत्पन्न होगा। 10 दिसंबर 1948 के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 3 तथा मानव अधिकार संरक्षण आयोग 1993 के सेक्शन 2D में भी यह स्पष्ट वर्णन है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री JS वर्मा ने इसी मंच के माध्यम से सन 2001 में यह स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन एवं स्वतंत्रता की गारंटी देता है, उसे आपातकालीन स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जाता, तथा जो लोगों के हित के खिलाफ हो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। DK वसु बनाम बंगाल राज्य में माननीय न्यायाधीश ने भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा बलों के द्वारा गिरफ्तारी के समय में भी मानव अधिकार का उल्लंघन न हो, परंतु स्थिति आपके समक्ष है। वासुदेव कुटुम्बकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः विचारधारा वाला देश, जहां आज नक्सल समस्या ने गंभीर रूप धारण कर रखा है, प्रश्न उठता है, ये नक्सली है कौन? समाज के सबसे शांत, शहरों से दूर जंगलों में रहने वाले तथा खेतों के माध्यम से अपने जीवन यापन करने वाले वो लोग, जो अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए धरोहर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ हथियारबंद हो गए हैं, और अंततः ये लोग नक्सली बनने पर मजबूर होते हैं। महोदय, आधुनिकीकरण के नाम पर उन गरीब आदिवासियों की जमीनों को छीन ली गई तथा उन्हें मजबूर कर दिया बंधुआ मजदूर बनने पर, किंतु आज उनकी अधिकारों की कोई बात तक नहीं करता। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मैं पूछता हूं, देश की धरती तुझे क्या दूं, क्यों दूं, और किस लिए मैं छवर करूं अपना सब कुछ तुम पर? क्या इसलिए कि मुझे देशद्रोह जैसे शब्दों से नवाजा जाए, या इसलिए कि मुझे फर्जी इनकाउंटर में मार दिया जाए? जी हां अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसा ही समय था जब मान्य सुबह लखन भैया सेहराबुद्दीन तथा तुलसीराम प्रजापति को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। यह कैसी विडंबना है महोदय, हमारे विपक्षी साथी द्वारा मानव अधिकार का संरक्षण किए बगैर ही राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जब आम लोगों का कोई अधिकारी नहीं हो तो इस स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मतलब? मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, वे किस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं? पुलिस हिरासत में अत्याचार व मौत, उन्नाव केस, किसानों द्वारा आत्महत्या, या बिहार के शेल्टर होम में हुई मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, क्या यह है राष्ट्रीय सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं, बल्कि सीमा के अंदर रह रहे व्यक्तियों की सुरक्षा से भी है। अपने हक को मांगे जाने पर लोगों को नक्सली तथा आतंकवादी करार दिया जाता है, तथा यह सुरक्षा देने वाले पुजारी IPC की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर उन्हें देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं, फिर फर्जी इनकाउंटर में भी मार गिराते हैं। जबकि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन में माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है कि फर्जी इनकाउंटर हत्या के समान है। 10 जुलाई 2004 को मनोरमा देवी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या तथा पूर्वोत्तर राज्य की महिलाओं द्वारा हम सुरक्षा बलों के समक्ष निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन करना इस बात का द्योतक है कि हम सुरक्षा बलों ने आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का दुरुपयोग कर नाजायज फायदा उठाया है, वहां के लोगों को जबरन गिरफ्तार कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, तथा उनकी बहु बेटियों के साथ दरिंदगी कर मानवता को संसार किया है। यह देश की सभ्य समाज एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। CRPC की धारा 41, 42, 107, 151 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, CRPC की धारा 129, 130 मजमे को तितर बितर करने की शक्ति, और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने तक की शक्ति इन सुरक्षा बलों को दी गई है। और कितने अधिकार दिया जाए इन्हें, तो दे दो रोलेक एक्ट जैसा अंधा कानून और ढूंढते रहो इतिहास के पन्नों पर स्वतंत्रता एवं समानता जैसी शब्दों को। महोदय, आज जरूरत है चिंतन की, मंथन की, जागरूकता की, लोगों में विश्वास जगाने की। आज जरूरत है Super 30 जैसे संस्थानों की, ताकि अपने पद से भटके हुए बच्चों को उचित शिक्षा, भोजन इत्यादि का प्रबंध कराकर उसे विकास के सही मार्ग से जोड़ सके।
अंत में फैसला माने निर्णायक मंडल के ऊपर छोड़ते हुए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मैं जीना चाहता हूं इंसानों की फौज के बीच में, मैं जीना चाहता हूं उगते सूरज की किरणों के बीच में, सुंदरता और सुगंध के बीच में। मेरी इच्छा है काश मिल जाए मुझे थोड़ी सी जगह इन जीने वालों के दिलों के बीच में। जय हिंद।